हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हाथ और पैरों को गोरा करने का एक रामबाण उपाय बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये उपाय काफ़ी असरदार उपाय है। जिस तरह से हमारे चेहरे की रंगत काली पड़ जाती है, ठीक उसी तरीके से हमारे हाथ पैरों की रंगत भी काली पड़ जाती है। हाथ पैरों पर मैल गंदगी जम जाता है, जो कि दोस्तों देखने में बहुत ही गंदा लगता है। आज मैं आपको यहाँ पर जो नुस्खा बताने वाला हूँ, यह नुस्खा काफ़ी असरदार नुस्खा है। इसकी मदद से आप अपने हाथ पैरों को काफ़ी साफ सुथरा गोरा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या ये नुस्खा। इसके लिए आपको एक नींबू चाहिए और दोस्तों नींबू को आपको दो टुकड़ों में काट लेना है। नींबू हमारे स्किन पर ब्लीचिंग का काम करता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रोडक्ट में नींबू का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नींबू से हमारे शरीर की रंगत सुधरती है। ये हमारे धूल मिट्टी गंदगी को काटता है। तो हम यहाँ पर एक नींबू को इसमें निचोड़ लेंगे। इस तरीके से दोस्तों नींबू निचोड़ने के बाद में फिर आपको अगली चीज़ जो चाहिए वो है टमाटर का रस, जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पर टमाटर को कद्दूकस करके इसका रस निकाल के रेडी रखा हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इतनी सी मात्रा में एक चम्मच टमाटर का रस इसमें ऐड करेंगे। टमाटर का रस हमारे स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये हमारे स्किन को गोरा और सुंदर बनाने का काम करता है। ये हमारे स्किन के अंदर तक जाकर स्किन को गोरा बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों हमें इन दोनों चीज़ों को ले लेना है। फिर इसमें हम अगली चीज़ जो लेंगे वो यहाँ पर दोस्तों ईनो, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगी। दोस्तों ईनो हमारे मैल को निकालने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये हमारे मैल को भी फुला देगा और उससे हम बड़ी आसानी के साथ में अपने मैल को बाहर निकाल सकेंगे। तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा, ईनो का इस्तेमाल सिर्फ आप अपने हाथ और पैरों के ऊपर ही करें। इसका इस्तेमाल आप अपने चेहरे पर कभी ना करें, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे सॉफ्ट स्किन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक ईनो को काट लेंगे और इसे इसमें ऐड कर देंगे। ईनो को ऐड करके दोस्तों अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे जो लगाने का तरीका है वो ये है कि आप जो है सबसे पहले इस पेस्ट को इस तरीके से लें और अपने हाथ पैरों के ऊपर इसे अप्लाई करें। इस तरीके से दोस्तों आपको ये अपने हाथ पैरों के ऊपर ऐसे लगा लेना है। दोस्तों इसे जो आप इस तरीके से लगाकर कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। 15 मिनट बाद जब यह थोड़ा सूख जाएगा तब आप जो है इसे सादा पानी से धोकर साफ कर दें। इस तरीके से दोस्तों आपको ये धोकर साफ कर देना है, इससे आपके मैल हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा। दोस्तों आप इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये नुस्खा काफ़ी असरदार नुस्खा है। इसकी मदद से आप जो अपने हाथ पैरों के मैल को हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, अगर इस पेस्ट को लगाकर आपके जरा सी भी जलन हो तो इसे आप तुरंत धो दें। मतलब कि अगर ये आपकी स्किन के ऊपर सूट करे तभी आप इसको लगाएं, अगर जलन हो तो इसे आप तुरंत धो दें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा अच्छा सा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।